सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। वेलकम बैक। नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब के एएमयू क्लास में फिर से एक बार आपका स्वागत है। मैं आपका अपना दोस्त एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल एएमयू क्लास में, लेकर अनुपात और समानुपात गणित मैराथन का भाग 3। जी हाँ दोस्तों, इसके पहले मैंने ऑलरेडी जो है अनुपात समानुपात गणित मैराथन का पहला और दूसरा पार्ट डाल दिया है, तो जब आप मेरे प्ले लिस्ट में जाएंगे तो आपको वो मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप मेरे वीडियो पे नए हैं और मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले आप पूरा वीडियो देखिए, और देखने के बाद अगर आपको मजा आता है तो मेरे चैनल से जुड़ के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। दोस्तों, कहना ये है कि इसके पहले मैंने जो है ऑलरेडी 2 पार्ट डाल रखा है, लेकिन उससे पहले मैंने उसकी थियोरी डाल रखी है 5 टाइप की। ठीक है दोस्तों, उस 5 टाइप की थियोरी को पढ़ने के बाद मैं कहूँगा कि ये पढ़िए, क्योंकि ये गणित मैराथन जो चल रहा है वो कंपटीशन में पूछे गए सवालों का मैराथन चल रहा है। यानी मैंने जो थियोरी पढ़ाई है दोस्तों, वो थियोरी पढ़ाने के बाद मैं गणित मैराथन चलाता हूँ इसी तरह का, और उस टॉपिक में कम से कम बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन लेके आता हूँ जो कंपटीशनों में पूछे गए हैं, और उसको मैं सोल्यूशन करता हूँ और समझाते हुए आपके स्क्रीन पर भी वो सवाल आता है। तो ये तीसरा भाग है और ये आखिरी भाग है इस पार्ट का। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो है नया टॉपिक शुरू होगा, तो अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो इसको देखने से पहले मैं कहूँगा कि प्लेलिस्ट में जाकर मेरी थियोरी को पहले पढ़ के आइए, तब इसको देखिएगा तो समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का जो है पहला सवाल लेते हैं, पीडीएफ में पढ़ता हूँ, आप भी देखिएगा, स्क्रीन पर आएगा और सोल्यूशन भी करेंगे। तो देखिएगा, स्क्रीन का पहला सवाल आज का है, सवाल क्या है दोस्तों, 3 कक्षाओं में छात्रों की संख्या का अनुपात 2:3:5 है। प्रत्येक कक्षा में 20 छात्रों की वृद्धि होने पर अनुपात 4:5:7 हो जाता है, तो वृद्धि से पहले छात्रों की कुल संख्या कितनी थी। यानी 3 कक्षाओं के छात्रों का अनुपात 2:3:5 है, 20% की वृद्धि, यानी 20 छात्रों की वृद्धि कर दी जा रही है, तब अनुपात जो है 4:5:7 हो जा रहा है। सवाल हमारा ये पूछ रहा है कि वृद्धि जो हुई है उससे पहले छात्रों की संख्या कितनी थी। तो 3 कक्षाओं की छात्रों का अनुपात कितना है, 2:3:5, 3 कक्षाओं के छात्रों का अनुपात 2:3:5 ये कह रहा है सवाल, और कह रहा है उसमें वृद्धि कितने की जा रही है दोस्तों, इसके कक्षाओं में वृद्धि की जा रही है 20 की। ठीक है, तब जो हमारा अनुपात बन रहा है, सवाल जैसे पूछा है वैसे ही लिख रहा हूं, तब हमारा जो अनुपात बन रहा है वृद्धि के बाद 20, वो बन रहा है 4:5:7, यानी कि 4:5:7 ही कह रहा है ना। तो हमसे पूछा है कि इस वृद्धि से पहले छात्रों की संख्याएं कितनी थी, यही पूछा है। तो हमारी 20 की वृद्धि हो रही है, इसमें ये वृद्धि हो रही है, तब ये अनुपात बन रहा है। तो 20 की वृद्धि हो रही है मतलब हर संख्या में 20 की वृद्धि हो रही है। तो सबसे पहले 3 कक्षाओं के छात्रों का अनुपात हमने माना अनुपात कितना है, 2x है, 3x है और 5x है। ठीक है, मान लिया कि हमने तीनों छात्रों के अनुपात जो है वो इतने हैं, 2x 3x 5x। अब कह रहा है कि इसी में जो है वृद्धि की गई है 20% की, तो देखिएगा 2x+20 यही कह रहा है, समान अनुपात 3x+20। ठीक है, यही कह रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद कह रहा है आपका 5x+20, और जब ये अनुपात बन जाता है तब हमारा अनुपात ये हो जाता है, मतलब कि हो जाता है 4:5:7। वृद्धि के बाद ये अनुपात होता है, तो वृद्धि हमने कर दिया, उसके बाद अनुपात हमारा ये हो गया। अब ध्यान दीजिएगा सवाल में, जब हम सवाल में अनुपात पढ़ते थे तो 4 ही होता था, सिर्फ 4 ही पद होते थे, तो ये 3 देख के कंफ्यूज मत होइएगा, हमको बस 4 ही पद को सोल्यूशन करना है। 3 अगर दे देता है तो उसको कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, तो यहां से बस ये 2 पद
और यहाँ से ये दो पद लेंगे, इसको इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि हमारा चार ही पद होता है समानुपात में, थियोरी पढ़ा है। तो देखिएगा, तब आपका इसका इसका इस पांच से होगा और इसका इस चार से होगा। देखिएगा बस यही दोनों हमने मार्क कर दिया है, तो आपका हो जाएगा 2x+20 गुणे 5 बराबर 3x+20 गुणे 4। ठीक है, अब देखिए 5 × 10x + 5 × 10 100 हो जाएगा, बराबर 4 × 3 = 12x और प्लस 4 × 8 = 80 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा 10x 12x है, ये उधर जाएगा तो बनाएगा 2x और बराबर 80 है, ये जब इधर आएगा तो हो जाएगा 20, तो ये हो जाएगा 2 × 10 = 20 = 10, यानी x बराबर हो जाएगा 10, x की वैल्यू आ गई 10। ठीक है, अब सवाल देखिएगा हमसे क्या पूछा था, उसने हमसे पूछा था, आपके स्क्रीन पर भी सवाल है, कि ये अनुपात में 20 की वृद्धि की गई, उसके बाद अनुपात हमारा ये हुआ। सवाल कह रहा था कि वृद्धि से पहले कक्षाओं में बच्चों की संख्या कितनी थी, ये पूछा था ना, तो यही तो अनुपात है कक्षाओं में इस वृद्धि से पहले, तो इसका सीधे सीधे क्या निकालिए, अनुपातिक योग निकाल दीजिए, तो 5 × 3 = 8। ठीक है, 8 × 2 = 10, तो अनुपातिक योग इसका जोड़ हो गया, अनुपातिक योग 10। और देखिएगा वृद्धि से पहले यही तो है अनुपात, तो ये हो गया 10, और हमारा x का वैल्यू कितना आया है 10। ठीक है, तो सीधे इस 10 का इस 10 से लेके गुणा कर दीजिए, यहां कर दीजिए, यानी कि 10x वाला इसको x ये तो माने हैं, देखिएगा यही तीनों तो हमने माना है, तो इसको हम यहाँ 10x जोड़ सकते हैं, अनुपातिक योग यही किया हमने, चाहे वहां करिए यहाँ करिए, यानी x है यहाँ तो इसको 10x यही ले लीजिए, ये ठीक रहेगा, इससे बेहतर ये रहेगा क्योंकि यहाँ x है, तो 10x ही हमने माना है, और इसी x की वैल्यू 10 आई है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 10 × 10 = 100, यानी कि तीनों कक्षाओं में छात्रों का अनुपात वृद्धि से पहले छात्रों की संख्या कितनी थी, 100 थी। ठीक है दोस्तों, यानी हमारे क्वेश्चन का कौन सा विकल्प सही है, वृद्धि से पहले छात्रों की संख्या का 100, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प सही है ए, यानी इस क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा ए, 100 थी छात्रों की संख्या। ठीक है, तो देखिएगा इस क्वेश्चन को जो है स्क्रीन पे आपके है भी और दिखा भी रहा होगा कि कहाँ उसने पूछा है, बड़ा ही लाजवाब सवाल है, इसको मैंने इसलिए चुना है क्योंकि ये तीन पद था और यहाँ तीन पद वाला था, आपको बस इतना ही हमको समझाना था कि तीन पद भले ही उनके लेंगे दो ही पद, इसलिए मैंने इस सवाल को चुना था। ठीक है दोस्तों, तो कैसा लगा बताइएगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलते हैं अगले सवाल पे और देखते हैं स्क्रीन बोर्ड का अगला सवाल हमारा क्या है। आइए दोस्तों अगले सवाल पे चलते हैं, देखते हैं स्क्रीन पे अगला सवाल क्या कह रहा है। देखिए दोस्तों स्क्रीन पे आएगा आपके सवाल, सवाल कह रहा है एक फैक्ट्री में नियुक्त पुरुषों स्त्रियों तथा लड़कों की संख्या का अनुपात 5 × 7 × 10 है, यानी एक फैक्ट्री में नियुक्त किए गए स्त्री पुरुष और लड़के का अनुपात जो है 5 × 7 × 10 है, यदि उसमें कुल कामगारों की संख्या 660 हो तो उसमें पुरुष की संख्या कितनी है। ध्यान दीजिए, फैक्ट्री है जिसमें महिला पुरुष बच्चे हैं और कुल कामगार जो काम करने वाले उसमें 660 है, तो पूछ रहा है उसमें तब पुरुष कितने हैं। ठीक है, तो पुरुषों स्त्रियों तथा लड़कों की संख्या का अनुपात कितना है, 5 × 7 × 10, पुरुषों स्त्रियों और लड़कों का जो अनुपात है कितना है दोस्तों, 5 × 7 × 10 10 है। ठीक है, और कुल कामगारों की संख्या कितना दे रखा है, कुल कामगारों की संख्या बराबर क्या है, यानी जितने कामगार टोटल है वो है 660। ठीक है दोस्तों, तो हमसे सिर्फ पूछा है पुरुषों की संख्या कितनी है, तो ध्यान दीजिएगा 5x 7x 10x यही है ना टोटल अनुपात,
तो इसका अनुपातिक योग कितना होगा, 10 और 7 17, 17 और 3 20, 17 3 20 2 22, यानी इन टोटल अनुपात का योग हो जाएगा 22। चूंकि हमको सिर्फ पुरुषों का पूछा है और हमको दे भी रखा है ऑलरेडी, तो इसको निकालने के लिए तो पुरुषों की संख्या बराबर देखिएगा, पुरुष पहले वाला है 5, तो 5 हो जाएगा और बट्टे टोटल कितना है 22 और गुणे कामगारों की संख्या कितनी है 660। ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा 11 दूना 22, 11 छके 660 हो गया, 2 तिहाई 6 30 हो गया और 5 तिहाई 15 150 हो गया। यानी कि इस क्वेश्चन में हमसे पुरुषों की ही संख्या बस पूछा है, तो पुरुषों की संख्या 660 में कितनी है, 150 है। यानी आपके क्वेश्चन का कौन सा विकल्प इसमें सही है, इस क्वेश्चन का आपका विकल्प सही होगा दोस्तों ए 660 कह रहे हैं 150, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प सही होगा ए 150। उस फैक्ट्री में पुरुषों की संख्या है 660 में, बाकी जो है वो बच्चे हैं। अगर आपसे कह दे कि बच्चों का भी निकालिए, तो बच्चे आपके लड़के ये हैं, बच्चे जो है तो लड़कों का ये हो गया, तो 10 बट्टे 22 गुणे 660 काट के दिया जाएगा, वो बच्चों की संख्या। तो जब बच्चे और पुरुषों का निकल जाएगा तो दोनों को जोड़ के 660 से घटा देंगे तो हमारे स्त्रियों का संख्या आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है कि आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि मैंने क्या किया है। सभी कंपटीशन में पूछे गए हैं और ये कंपटीशन में बेहतरीन बेहतरीन तरीके से पूछे गए हैं, सवाल दे रहे हैं हम आपको, लेकिन उससे पहले आपको समझ में आएगा तब जब आपने हमारा थ्योरी देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए सब्सक्राइब करके, वहाँ आपको मिलेगा, उसके बाद यहाँ आइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगले सवाल पे, देखते हैं क्या है स्क्रीन का अगला सवाल। इस समय दोस्तों गणित मैराथन चल रहा है और गणित मैराथन में जो है आपका अनुपात और समानुपात के कंपटीशन के सवाल दिए जा रहे हैं। ठीक है, चलिए स्क्रीन का अगला सवाल देखिएगा। सवाल क्या कह रहा है कि एक विद्यालय में लड़कियों की संख्या का 10% लड़कों की संख्या का 1/20 के बराबर है, तो विद्यालय में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है। एक विद्यालय उसमें लड़कियों की संख्या का 10% लिखते जाइए, जो लिखा है लड़कियों की संख्या का 10%, यही कह रहा है लड़कियों की संख्या का 10% लड़कों की संख्या का 1/20 के बराबर है। ठीक है, यानी बराबर है लड़कों की संख्या का कितना, 1/20। ये तो कह रहा है कि एक विद्यालय में लड़कियों की संख्या का 10% लड़कों की संख्या का 1/20 है, का 20 है मतलब गुणा, ये हुआ ना। तो ये तो हमसे पूछा है, तो लड़कियों का तो यहां से सीधे ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिखिए लड़कियों की संख्या, ठीक है, गुणे 10/100, 10% का मतलब यही हुआ। ठीक है, और बराबर लिख लीजिए लड़कों की संख्या गुणे 1/20। ठीक है, इससे जब काटे दो तो 10 × 10 = 100, 1/10 ये हो जाएगा, मतलब लड़कियां यहां है लड़कियां, और जब उसको इधर लेके आएंगे तो लड़के यहां हो जाएंगे बराबर। देखिए ना, देखिएगा दोस्तों लड़कियां 1/10 है और पूरे का बट्टे लड़के यहां ऑलरेडी, ध्यान दीजिएगा लड़के ऑलरेडी यहाँ आ चुके हैं, यहाँ से यहाँ आए, लड़कियां पहले से यहाँ है। ठीक है, मतलब कि यहाँ ऑलरेडी 1/20 दे रखा है हमको पहले ही, और ये लड़के यहाँ आए हैं वो पहले से है, लड़कियां यहाँ है, तो ये अंक उधर जाएगा, तो 1/10 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, तो ये 4 बन गया, मतलब ये और ये होगा, मतलब ये हो जाएगा 10/20 होगा, ध्यान दीजिएगा 10 × 10 = 10, 10 × 10 = 20, 1/2 होगा, मतलब लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना होगा, 1/2 होगा। ठीक है दोस्तों, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा,
इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए एक संबंध दो, यानी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए एक संबंध दो हो जाएगा लड़के और लड़कियों का अनुपात। यानी कहने का मतलब यह है दोस्तों कि लड़कियां एक हैं, हर एक लड़की पे दो लड़के हैं, यही हुआ इसका मतलब ना, क्योंकि एक इसका है और दो इसका है, मतलब लड़कियों से सीधे एक अधिक लड़के हैं, एक गुना अधिक है, कह लीजिए एक ये है तो वो सीधे दो है, ठीक है, यानी एक पॉइंट अधिक चल रहे हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, करते हैं अगले सवाल पे। आइएगा दोस्तों अगला सवाल देखते हैं स्क्रीन पे क्या आ रहा है। ये सभी कंपटीशन के सवाल हैं और बहुत ही लाजवाब लाजवाब सवाल। ये सवाल दोस्तों मैंने चुना है जितने भी एसएससी के क्वेश्चन, ज्यादातर मैंने एसएससी के क्वेश्चन का ही यह सवाल चुना है, क्योंकि एसएससी के क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन होते हैं और उसके क्वेश्चन जो है बहुत बेहतरीन दिए होते हैं, तो इसलिए मैंने एसएससी के क्वेश्चन ज़्यादा चुने हैं और उसी का मैं सलूशन करा रहा हूँ। तो ये मैराथन में आखिरी भाग में आपका यही चल रहा है, उसके बाद नया टॉपिक शुरू हो जाएगा। आइए दोस्तों देखिएगा स्क्रीन का आपके अगला सवाल जो आएगा, देखिएगा क्या आ रहा है आपकी स्क्रीन का अगला सवाल। आपकी स्क्रीन का अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे सवाल कह रहा है दोस्तों, सभी मिक्स करके मैंने दिया है, जितना मैंने टॉपिक पांचों टाइप का पढ़ा है उस सब का इसमें मिक्स मैंने दिया है क्वेश्चन। देखिएगा अगला सवाल आपका कह रहा है, यदि ए संबंध है बी बराबर दो संबंध तीन, बी संबंध है सी बराबर छह संबंध है ग्यारह हो, तो ए संबंध है बी संबंध है सी का मान क्या होगा। ठीक है, ए बी बराबर दो तीन और बी सी बराबर छह ग्यारह, ए बी बराबर दो तीन और बी सी बराबर छह ग्यारह, तो हमसे पूछा है ए संबंध बी संबंध सी का मान क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपने मेरी थियरी पढ़ी है, एसएससी का सवाल है, देखिए मैंने उठाया है, ठीक है, अगर आपने मेरी थियरी पढ़ी है पांचों टाइप में, तो ये आपको देखते ही पता चल गया होगा कि मैंने इस सवाल पे एक फिगर ट्रिक बताया था, वो मेरा अपना था फिगर ट्रिक। अभी तक आपने 60 ट्रिक और ट्रिक सुना था, मैंने दिया था इस सवाल का फिगर ट्रिक। तो फिगर ट्रिक में मैंने आपको इसको सॉल्यूशन करने के पहले बता देता हूँ क्या दिया था। जब तीन दो ए और बी और सी का मान दे दोस्तों, तो मैंने आपको ट्रिक बताया था उसका कि ऐसे ऐसे और ऐसे जेड के आकार का, ठीक है, यानी छोटा एन जो है, एन कह लीजिए तो थोड़ा सा ऐसे टेपर कर लीजिए, ऐसे करके ऐसे ऐसे टेपर कर लीजिए या सीधा भी कर लीजिए, कोई कमी नहीं। ये हमारा फिगर था, ये ध्यान दीजिए और देखिए इसी पर मैं लगा रहा हूँ आपको कैसे ए संबंध है बी संबंध है सी का मान निकालना है। ए बी का मान दो तीन है तो दो तीन रख लीजिए, बी सी का मान छह ग्यारह है तो बी के नीचे छह हो जाएगा और सामने उसके ग्यारह हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान दीजिएगा इसी फिगर के अनुसार थोड़ा सा सीधा हो गया, मैंने तिरछा जो है करिएगा आप इसको तिरछा करिएगा, ऐसे करिएगा ऐसे 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 करिएगा ऐसे ऐसे और ऐसे करिएगा। ठीक है, तो ये देखिएगा ऐसे होगा एक, ध्यान से देखिएगा ये दोनों ऐसे होगा और ये दोनों ऐसे हो जाएगा, यही फिगर थोड़ा सा ऐसे ही है, ये वाला देखिएगा ऐसे ही है, तो बस ये जैसे मैंने बनाया वैसे ही इसको करिएगा, इस तरह सजा कर और गुणा कर लीजिए। देखिएगा छह दूना बारह, छत्तीस अठारह और ग्यारह तीन तैतीस होगा। अब देखिएगा ये बड़ा है, आपको देखना है कि आपके क्वेश्चन का विकल्प क्या है, विकल्प के अनुसार आपको काटना है। आपके क्वेश्चन में चार चार तरह के विकल्प दिए हैं और देखिएगा उसमें विकल्प जो है उस अनुसार काटिएगा आपको। तो जैसे 11 दिया है आपको, तो हमको 11 को काटना है, तो मान लीजिए दो तीन से ही कटेगा, तीन कर्म तीन तेरे होती, तो तीन चौको बारह हो जाएगा, तीन छके अट्ठारह हो जाएगा और ग्यारह तीन तैतीस हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा चार संबंधे छह संबंधे ग्यारह। इसके अनुसार काटिए क्योंकि ये तीन से ही कटेगा, उसके अलावा कोई इसका ऑप्शन नहीं है। तो चार संबंधे छह संबंधे ग्यारह, ये किसका मान हुआ, इसका मान हुआ, ए संबंध बी संबंध सी का मान हुआ, चार संबंधे छह संबंधे ग्यारह, मतलब इस क्वेश्चन का विकल्प कौन सा सही है, चार संबंधे छह संबंधे ग्यारह सी, यानी इस क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा दोस्तों सी चार छह ग्यारह। ठीक है,
तो अगर आपने मेरा ये थियरी पढ़ा होगा तो ये फिगर ट्रिक आपने पढ़ा होगा, उसका नाम ही मैंने रखा था फिगर ट्रिक, ठीक है दोस्तों। चलिए अगर नहीं पढ़ा होगा तो जाकर देख लीजिए। उसके अलावा एक और ट्रिक है उसमें फिगर का, दो सवाल ऐसे हैं जिसका मैंने फिगर ट्रिक दिया है। ये तो 3 अंकों का था, ये 4 अंकों का अगर पूछ दे ए संबंधित बी संबंधित सी संबंधित डी बराबर, तब वहां मैंने 4 अंकों का 4 जो अंक पूछेगा तो उसका मैंने फिगर ट्रिक दिया है कि उसका फिगर ट्रिक कैसे बनेगा। तो उस फिगर ट्रिक के लिए जब आप थ्योरी में जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए स्क्रीन का अगला सवाल देखिएगा, क्या कह रहा है सवाल। सवाल कह रहा है दोस्तों कि एक का धन बी के धन का 2/3 है और बी का धन सी के धन का 9/11 है, तो ए के धन से सी के धन का अनुपात बताइए। बड़ा ही मजेदार सवाल है, देखिएगा सब ये से सी के क्वेश्चन का है। ए का धन बी के धन का 2/3, अब ध्यान से समझिएगा, ए का जो धन है यानी कह लीजिए कि हमारा जो धन है और आप हमको देख रहे हैं, हमारा जो धन है आपके धन से 2/3 है, मतलब आपके धन से 2/3 अधिक मेरा है। अब हमारे बराबर आपको कराना है तो हमारे इतना धन आपको रखना पड़ेगा, यानी कि आपके में अगर हम 2/3 का गुणा कर दें तो आप हमारे धन के बराबर आ जाएंगे, समझ रहे हैं। तो ये यही कह रहा है कि ए का धन बी के धन का 2/3 है, मतलब ए बराबर यानी ए के बराबर आने के लिए बी गुणे 2/3 करना पड़ेगा, मतलब बी में 2/3 का गुणा करेंगे तभी तो कहेंगे ए का धन दो के बी के धन का 2/3 है, मतलब इसके बराबर आने के लिए हमको इसके साथ इतना मिलाना पड़ेगा, समझ में आ गया। चलिए आगे लिखे क्या कह रहे हैं, और बी का धन सी के धन का 9/11 है, तो बी बराबर सी के धन का 9/11 है, यही है सवाल। आगे क्या कह रहे हैं सवाल दोस्तों, तो ए के धन से सी के धन का अनुपात कितना है, ठीक है ध्यान दीजिएगा। ए बराबर बी गुणे 2/3 है, तो हम इसको ए और बट्टे बी को अगर यहाँ लेके आए तो बी यहाँ हो जाएगा, तो 2/3 इसका हो जाएगा, मतलब इसको हम कह सकते हैं ए संबंधे बी बराबर 2/3 कह सकते हैं। अब देखिएगा इसको भी वैसे ही कर लीजिए, तो बी है ये और ये आएगा तो सी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9/11, मतलब बी संबंधित सी बराबर हम कह सकते हैं 9/11। अब देखिएगा ए बी बी सी, मतलब ये बन रहा है ए बी और सी, क्योंकि ए बी और बी सी यानी ए बी सी बन रहा है, तो 3 पार्ट हो गया ना। अभी थोड़ी देर पहले एक सवाल बताया था बिल्कुल उसी रूप में आ गया, तो बस कर लीजिए। यहाँ आपका 2 है और यहाँ 3 है, और यहाँ देखिएगा बी का मान 9 है और यहाँ कितना है दोस्तों 11, देखिएगा यहाँ 11 है, तो फिर वही काम ऐसे 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 फिगर के अनुसार तो बनाएंगे, तो क्या होगा 9 × 2 = 18 संबंध 9 × 3 = 27 संबंध 11 × 3 = 33 3 × 6 = 18 3 × 9 = 27 3 × 3 = 3 यानी 11 × 3 = 33 6 × 9 = 11 होगा इसका मान, देखिएगा इसका ये मान है। हमसे क्या पूछा है सवाल में ध्यान दीजिएगा कि ए के धन से सी के धन का अनुपात, तो ए का धन है 6 और सी का धन है 11, मतलब ए संबंधे सी का धन क्या हो जाएगा 9 कह रहे हैं दोस्तों 6 है, 6 × 11 हो जाएगा, यानी हमको इस धन का मान बताना था, ए के धन का और सी के धन का अनुपात क्या है, तो ए का धन 6 है और सी का धन 11 है, यानी इनका अनुपात हो जाएगा 6 × 11, यानी हमारे क्वेश्चन का कौन सा विकल्प सही होगा, सी, यानी इस क्वेश्चन का आंसर सही होगा दोस्तों सी 6 × 11 है। तो बताइएगा मजेदार है कि नहीं क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थियरी जो पढ़े हैं उसी पे क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा ब्रेन इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको, बुद्धि से आपके खेलना चाहता है, देखना चाहता है एग्जामिनर कि आपके पास थोड़ा सोचते हैं कि नहीं, तो वो कब होगा जब प्रैक्टिस करेंगे अपने आप डेवलप हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगले सवाल पे और देखते हैं स्क्रीन का अगला सवाल हमारा क्या रहा है। एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन मैंने अपने पार्टों में दिए हैं और मैराथन में भी मैं एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन दे रखा है मैंने इससे पहले के भाग में और इस भाग में भी मैं आपको दे रहा हूँ। इतना दोस्तों अगर आप पढ़ लेंगे इस अनुपात को, यानी इस अनुपात में मेरी थियरी से लेकर और इस मैराथन तक पढ़ लेंगे, गारंटी है मेरा, वादा है मेरा, उसके बाहर अगर कोई सवाल कह रह गया तो आप कहिएगा मुझसे, ठीक है
चलिए चलते हैं अगले सवाल पे और देखते हैं स्क्रीन का अगला सवाल हमारे चार। देखिएगा सवाल आपके सामने है। सवाल कह रहा है कि यदि 2a बराबर 3b बराबर 4c हो तो a संबंध b संबंध c का मान क्या होगा। ठीक है, कह रहा है कि 2a बराबर 3b बराबर 4c हो तो a संबंध b संबंध c का मान। ये सब तरह के क्वेश्चन मैंने कराए हैं, इसीलिए मैंने एसएससी के सब क्वेश्चन जो भी कंपटीशन का उठा रखा है, यानी 2a बराबर 3b बराबर 4c हो तो a संबंध b संबंध c का मान क्या होगा। देखिए अगर आपने मेरा थियरी पढ़ा है तब आपको इस समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूँ, अगर नहीं पढ़ा है तो पहले पढ़िए, पढ़ने के बाद मैराथन देखिएगा तब मजा आएगा, क्योंकि मैराथन पहले ही देख लेंगे तो आप कॉन्सेप्ट जानेंगे नहीं तो इसको समझ नहीं पाएंगे। ठीक है दोस्तों, देखिएगा अगर इतना दिया है तो हम इसको लिख सकते हैं 2a बराबर 3b बराबर 4c, अगर इस तरह दिया हो तो बराबर इसके एक मान लीजिए, एक मान यानी इन पूरे का बराबर हमने एक मान लिया। ध्यान दीजिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो तो इस तरह पे एक मानिए अगर ये पूछ रहा हो तो। ठीक है, अब देखिएगा तो 2a बराबर एक होगा, तीनों के बराबर एक माना है तो a बराबर हो जाएगा एक बट्टे, ये उधर जाएगा तो दो। ठीक है, तो जब a बराबर एक बट्टे दो इस तरह से है तो मतलब कि b बराबर तब हो जाएगा एक बट्टे तीन उसके अनुसार, तब c बराबर उसके अनुसार क्या हो जाएगा एक बट्टे चार। एन हुआ दोस्तों, मतलब ये कह रहा है कि a संबंध बी संबंध सी बराबर हो जाएगा एक बट्टे दो संबंध एक बट्टे तीन संबंध एक बट्टे चार, ये कह रहा है। अब देखिएगा दो तीन चार है, इन तीनों का लॉसर ले लीजिए, जब भी इस तरह से पूछे और इस तरह फॉर्म में हमको बनाना है ना तो सबसे पहले इसका लॉसर लीजिए, दो तीन चार का लॉसर दोस्तों हो जाएगा बारह, निकाल के देख लीजिएगा आपका लॉसर हो जाएगा बारह। अब जब लॉसर बारह आ गया तो सभी भिन्नों से बारी बारी से इसमें गुणा कराइए, एक बट्टे दो गुणे बारह संबंध एक बट्टे तीन गुणे बारह, यानी कि सभी भिन्नों से लॉस से गुणा करिए। ठीक है, संबंध एक बट्टे चार गुणे बारह, ठीक है सभी भिन्नों से, दो छक्के बारह, तीन दो तीन 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 चौको बारह और चार तिहाय बारह, तो आपका हो जाएगा छह संबंध चार संबंध तीन, यही होगा ना। और यही पूछा था हमसे कि ए संबंध बी संबंध सी का मान क्या होगा, तो इसका निकल के यही तो आया है छह संबंध चार संबंध तीन, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बी, छह संबंध चार संबंध तीन, यानी इस क्वेश्चन का आंसर सही होगा विकल्प बी, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प सही होगा दोस्तों बी। तो इस तरह का जब क्वेश्चन हो तो एक मानिए, ऐसे करके सोल्यूशन कर लीजिए, मेरे थियोरी में भी है वहां भी देख लीजिएगा, इस तरह का मैंने सवाल बता रखा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगले सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल हमारे स्क्रीन का कैसा आ रहा है। हर टाइप के जो मैंने थियरी पांचों टाइप के जो मैंने पढ़ाए हैं दोस्तों, वो पांचों टाइप मैं आपको इसमें दे रहा हूं, एक भी इधर उधर नहीं, जितने टाइप मैंने आपको पढ़ाए हैं वो हर टाइप का क्वेश्चन मैं आपको इसमें दे रहा हूँ, कंपटीशन में जो पूछा गया वो, ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, तो मैराथन से पहले हमारे थियरी पे जाइए फिर मैराथन पे आइए, समझ में आएगा। ठीक है, आइए देखिएगा अगला सवाल स्क्रीन का है। सवाल कह रहा है कि 7000 रुपये की राशि ए बी सी में इस प्रकार बांटी गई कि ए का ए तथा बी के अंश दो संबंध तीन के अनुपात में है, यदि बी तथा सी के अंश चार संबंध पांच के अनुपात में हो तो बी का हिस्सा है। बहुत मजेदार सवाल है, देखिएगा कह रहा है कि 7000 रुपये की राशि है तीन लोगों में, यानी ए बी सी के बीच में 7000 रुपये की राशि है, तो उसको इस प्रकार बांटी गई है कि ए तथा बी के अंश दो संबंध तीन है, यानी कह रहा है कि ए और बी का जो है दो संबंध तीन के अनुपात में उस 7000 में से बांटा गया है। ठीक है, आगे कह रहा है और है यदि बी तथा सी के अंश चार संबंध पांच के अनुपात में, यानी B तथा C के अंश चार संबंध पांच के अनुपात में, और टोटल A B C का क्या है रुपया, A B C का जो रुपया है वो 7000 रुपया है दोस्तों, इसी 7000 में तीन हिस्सा है, A संबंध B का अनुपात है उसमें दो संबंध तीन और B और C का अनुपात है चार संबंध पांच, तो हमसे पूछा है दोस्तों B का हिस्सा, इस B का हिस्सा कितना होगा। ठीक है, B का हिस्सा सिर्फ हमसे पूछा है वो,
कि कितना तब्बी का हिस्सा हुआ इस अनुसार, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ए बी बी सी यानी कि ये कह रहा है ए संबंध है बी संबंध है सी का मान पहले निकाल लीजिए, क्योंकि इसके अनुसार तो यही लग रहा है, पहले हमको इसका मान जानना चाहिए। तो हमको जानना है इसका मान, तो दो और तीन हो गया और ये चार और ये पांच हो गया, तो फिर वही फिगर ट्रिक जो हमने आपको बताया था। तो चार दूना आठ हो जाएगा, चार तियाई बारह हो जाएगा, पांच तियाई पंद्रह हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इतना आपको समझ में आ गया, ये फिगर ट्रिक के द्वारा ये निकलते हैं। ये अब ये जो निकला है इसका हम सीधे अनुपातिक योग निकाल लेते हैं। अनुपातिक योग, अनुपातिक योग क्या होता है, सबको जोड़ देना। तो पंद्रह आ दस, ठीक है, दस और दस बीस, और बीस आठ अट्ठाईस, दो तीस, पाँच पैंतीस, यानी टोटल इसका अनुपातिक योग हो गया पैंतीस। चूंकि निकालना इसलिए इसका अनुपातिक योग जरूरी है क्योंकि हमसे हिस्सा पूछ रहा है, तो हिस्सा इस पूरे पैसे का तभी जानेंगे जब उसका अनुपातिक योग हमको पता होगा। ठीक है दोस्तों, तो अनुपातिक योग हो गया पैंतीस। अब देखिएगा हमको बी का हिस्सा चाहिए, तो बी का हिस्सा मतलब देखिएगा हमारा अनुपात यहाँ जो फाइनल बनाया उसमें बी ये है बारह वाला, ये है ना, तो यानी ये हो गया कि बारह बट्टे टोटल पैंतीस अनुपातिक योग अगुणे पैसा कितना था तीनों के बीच 7000, यही था ना, समझ में आ गया। तो पांच सत्ते देखिएगा सात से कटिए, सात पचे पैंतीस और सात दहा में 70, 1000 हो गया। ठीक है, अब ये देखिएगा पांच एकनम पांच दूना दस, ये 200 हो गया। ठीक है दोस्तों, और 12 दूना 2400 रुपया हो गया, मतलब ये किसका हिस्सा है, बी का, बी का ही हिस्सा पूछा है ना, तो बी का जो हिस्सा होगा उसमें कितना रुपया होगा 2400 रुपया हुआ। यानी हमारे क्वेश्चन का कौन सा विकल्प सही है दोस्तों, हमारे क्वेश्चन का विकल्प सही है ए, यानी इस क्वेश्चन का आंसर सही है ए 2400 रुपया। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों कैसा लग रहा है कमेंट्स बॉक्स में बताते रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं स्क्रीन का अगला सवाल क्या आ रहा है। तो बिना देर करते हुए बैक टू बैक एक से एक बेहतरीन सवाल मैं आपको दूंगा, और सभी मिक्स दूंगा जितना मैंने थियरी पढ़ाया है, पांचों टाइप पढ़ाया है, और उस पांच टाइप के अंदर कई तरह के सवाल हैं, तो उस टाइप के अंदर जो है सब टाइप टाइप हैं उसके, तो उसी इतना जितना मैंने वो टाइप दिया है उतना मैं आपको टाइप का सवाल दूंगा। चलिए स्क्रीन का अगला सवाल देखिएगा आपके क्या आ रहा है दोस्तों। तो देखिएगा दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर आएगा, मैं पढ़ रहा हूं आप देखिएगा। सवाल कह रहा है कि 94 को दो भागों में विभाजित किया गया, पहले से पांचवें भाग और दूसरे के आठवें भाग का अनुपात तीन संबंधे चार है, चार हो गया है, तो पहला भाग कितना होगा। देखिएगा ध्यान समझिएगा, सवाल कह रहा है कि 94 को दो भागों में विभाजित किया गया है, पहले से पांचवें भाग और दूसरे से आठवें भाग का अनुपात तीन संबंध चार है, यानी कि पहले से पहले से पांचवें भाग और उसके बाद कह रहा है और दूसरे के आठवें भाग। ठीक है दोस्तों, ये कह रहा है ना इसका अनुपात कितना है दोस्तों, क्वेश्चन में है तीन संबंध चार है, सवाल ये कह रहा है कि 94 को दो भागों में विभाजित किया गया है, पहले से पांचवें भाग और दूसरे के आठवें भाग का अनुपात तीन संबंध चार है, मतलब पहले भाग का एक बट्टा पांच कह रहा है। ठीक है, उसके बाद संबंध है दूसरे भाग का एक बट्टे आठ कह रहा है,
बराबर तीन संबंधित चार। ये कहना चाहता है हमारा सवाल कि पहले भाग का एक बट्टा पांच संबंधित दूसरे भाग का एक बट्टा आठ जो है तीन संबंधित चार है। हमारा सवाल यही कह रहा है, तब हमसे कह रहा है तो पहला भाग कितना होगा, यानी 94 का जो पहला भाग होगा दोस्तों वो कितना होगा ये हमसे पूछा। तो ध्यान दीजिएगा ये अनुपात में है, एक दो बराबर एक और दो, चार हुआ ना। तो पहले का चौथे से मतलब पहले भाग का मतलब ये होगा कि पहला भाग गुणे एक बट्टे पांच और गुणे आखिरी वाला गुणा करेगा तो चार से करेगा, ठीक है, बराबर दूसरा भाग गुणे एक बट्टे आठ और इससे करेगा तो ये तीन हो जाएगा, होगा। तो देखिएगा पहला भाग ये है ऑलरेडी और ये जब आ जाएगा तो दूसरा नीचे आ जाएगा इसके, बराबर वहां ऑलरेडी एक बट्टे कह रहे हैं तीन भी है तो तीन बट्टे आठ हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा बड़ा लिखिए, बड़ा दिखाई देगा, तीन बट्टे आठ पहले से है और ये जब नीचे जाएगा तो हो जाएगा चार बट्टे पांच। तो ये हो जाएगा दोस्तों पांतियाई पंद्रह और बट्टे आठ चौक को बत्तीस, मतलब पंद्रह संबंध है बत्तीस हो जाएगा, पहला और दूसरे भाग का अनुपात क्या हो जाएगा पंद्रह संबंधित बत्तीस हो जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा हमसे पूछा है 94 रुपए का दो भाग है तो पहले का हिस्सा, यानी हमको पहले का हिस्सा जानना है, तो हिस्सा अगर जानना है हिस्सा संबंधित क्वेश्चन है ये, यानी आय और व्यय व्यय की तरह क्वेश्चन है, आय व्यय में जो हमने पढ़ाया उसके बारे में। तो हिस्सा निकालना है पहले का तो मतलब इन दोनों का अनुपातिक योग हमको जोड़ना पड़ेगा, तो 30 है 30 10 40 है 5 2 7 47 होगा, अनुपातिक योग का होगा 47। अब हमको किसका हिस्सा चाहिए दोस्तों, हमसे पूछ रहा है कि पहले भाग का कितना, यानी कि पहले भाग का हिस्सा इसमें कितना होगा ये पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिएगा पहला भाग का हिस्सा यही दिखा देते हैं यहाँ पे, यहां देख लीजिए, यहां पहला भाग का हिस्सा, पहला भाग का हिस्सा, ठीक है। तो टोटल 47 है, पहला भाग 15 है, मतलब 15 गुणे 94, टोटल 94 रुपया था दो भागों में और उसका अनुपातिक योग 47। देखिएगा 47 दुना 94 होता है, तो ये 7 2 14 4 हाथ में लगाए, 4 2 8 1 9 94 हो जाएगा और 15 2 30, यानी कि पहले भाग का हिस्सा कितना हो जाएगा दोस्तों 30, यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 30, 30 रुपया इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 30 रुपया, यानी हमारे क्वेश्चन का कौन सा विकल्प सही है, इस क्वेश्चन का विकल्प सही है दोस्तों ए 30 रुपया, पहले भाग का हिस्सा हो जाएगा 30 रुपया। देखिएगा यहाँ मैंने लगाया है, बोर्ड भर दिया है, नीचे दिखेगा ना इसलिए मैंने इधर कर दिया, ठीक है। तो पहले भाग का हिस्सा हो जाएगा 30 रुपया, ठीक है दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए ये आय और व्यय से सवाल है, उसमें मैंने आपको समझाया आय व्यय के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगले सवाल पे और देखते हैं स्क्रीन बोर्ड का अगला सवाल क्या है दोस्तों। एक से एक मजेदार क्वेश्चन है और सभी एसएससी के अलावा जितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, एसएससी प्लस टू, सीजीएल ट्राइबल टू, उसके अलावा एमटीएस, ठीक है, रेलवे मेट्रो में, वो सभी क्वेश्चन मैं आपको सभी मैराथन में मिला के दे चुका हूँ। ये आखिरी भाग है, इसमें मैं दे रहा हूँ। देखिएगा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, सवाल कह रहा है दोस्तों कि ए तथा बी की आय का अनुपात और बी तथा सी की आय का अनुपात तीन संबंधित दो, यानी कहने का मतलब ए और बी, मतलब कि ए संबंधित बी बराबर तीन संबंधित दो है और बी संबंधित सी बराबर भी तीन संबंधित दो ही है, मतलब ए बी सी है, कहने का मतलब कि ए बी और सी है, यही हुआ इसका मतलब। आगे देखिए क्या कह रहा है, आगे कह रहा है दोस्तों कि यदि ए की आय का तिहाई भाग, ठीक है, सी की आय के चौथाई भाग से 1000 अधिक है तो बी की आय कितनी होगी, ठीक है। सबसे पहले तो हम इसको पहले निकाल लेते हैं क्योंकि इसी से जो है हमको भाग निकालना पड़ेगा। तो देखिएगा ये हो गया तीन और ये हो गया दो और आपका ये हो गया तीन और ये हो गया दो, ठीक है। तो ये फिगर ट्रिक हमारा, तो तीन तरीका नौ हो गया, तीन दूना छः हो गया, दो दूना चार हो गया,
तो अनुपातिक तो इनका ये हो गया ए बी और सी का, इतना तो अनुपात आपको क्लियर हो गया। ठीक है दोस्तों, अब सवाल हमारा देखिएगा क्या कह रहा है, हमारा सवाल देखिएगा, सवाल हमारा कह रहा है आगे कि यदि ए की आय का तिहाई भाग सी की आय के चौथाई भाग से 1000 अधिक है, मतलब ए की आय का जो तिहाई भाग है वो सी की आय के चौथाई भाग से 1000 अधिक है, मतलब वो अधिक है, मतलब हमारा इसका कम है, मतलब घटेगा, यानी कि ए की आय का क्या हो जाएगा आपका, ए की आय का तिहाई भाग सी की आय के चौथाई भाग से 1000 अधिक है, यानी कि ए की आय का तिहाई भाग मतलब 1/3 माइनस सी की आय का एक बट्टा चार चौथाई भाग बराबर 1000 रुपया अधिक है, यही कह रहा है ना, यही हुआ हमारा, ध्यान दीजिएगा। अब ये तीनों का हमने मान यहाँ लिखा लिखा अनुपात 9, तो इसको हम ये भी कर सकते हैं कि तीनों का अनुपात यानी ए बी सी का अनुपात क्या है, 9x है, 6x है और 4x है, यही हुआ ना, ए बी सी तीन है तो तीनों का अनुपात ये है, मतलब पहले का 9x, दूसरे का 6x, तीसरे का 4x हुआ। अब देखिएगा ए की आय का 1/3 माइनस सी की आय का 1/4 बराबर 1000 रुपया, यह हमारा सवाल ही कह रहा है कि उससे उसका अधिक है, तो हम जाहिर सी बात है उसमें माइनस लगाएंगे। अब ध्यान दीजिएगा ए की आय जो है 9 है, मतलब कि 9x ऊपर गुणा हो जाएगा इसी की जगह पे 3 माइनस सी की आय, सी की आय देखिएगा 4x है, मतलब 4x/4 ए वन बराबर 1000 रुपया, क्लियर हो गया दोस्तों, 4 से 4 कट जाएगा, ठीक है, तो यहाँ आपका बचेगा 9x/3 माइनस x/1 बराबर 1000 रुपया, तेरी एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 3 हो जाएगा एलसीएम लेंगे तो 3 होगा तो ये हो जाएगा 9x माइनस 3x बराबर 1000 रुपया होगा, तो बताइए 6 हो जाएगा तो 6x बराबर 1000 रुपया होगा, 6x/3 बराबर है, 3 है 1000 रुपया, तो यहाँ 1 मानेंगे तिरिय गुणा करेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 6x बराबर 3000 रुपया, तो 6 से घटा 6 × 35 x बराबर 500 रुपया होगा, यानी x की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 500 रुपया। अब ध्यान दीजिएगा हमसे किसका हिस्सा पूछा है, हमसे पूछा है तो b की आय कितनी है, तो ध्यान दीजिएगा ए बी सी का ये जो मान निकला है यही b की आय है 6x, तो x की वैल्यू ऑलरेडी आपने निकाल रखा है 500, यानी कि 6 × 500 करेंगे, ठीक है, तो 6 × 25 और 2 × 0 3000 रुपया, मतलब ए कह रहे हैं बी की जो आय है वो कितनी है, ये भी है, इस बी की आय कितनी है 3000 रुपया है, यानी हमारे विकल्प का कौन सा आंसर सही होगा, देखिएगा दोस्तों हमारे विकल्प का आंसर सही हो जाएगा ए 3000 रुपया, यानी इस क्वेश्चन का आंसर सही होगा ए 3000 रुपया, ठीक है, तो ये हो गया, तो आप समझिएगा, और ये समझ में नहीं आएगा तब जब आपने थियोरी नहीं पढ़ा होगा तब, अगर आपने थियोरी मेरा पढ़ा है वीडियो पे है, अगर मेरे सब्सक्राइबर आप हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर थियोरी देखिएगा, अगर नहीं है तब जाइएगा सब्सक्राइब करके और वो पढ़िएगा तब यहाँ आपको समझ में आएगा, वरना समझ में नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल चलते हैं और देखते हैं स्क्रीन का अगला सवाल क्या है दोस्तों, अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है दोस्तों, देखिएगा अभी आएगा थोड़ी देर में और मैं उसको पढ़ूंगा भी और आप भी देखेंगे, लेकिन मैं पढ़ के उसका सलूशन जो है समझा के आपको करूंगा कि वो क्या कहना चाहता है, ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आप समझिएगा तब आपको समझ में आएगा कि वो क्या कहना चाहता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है स्क्रीन का अगला सवाल, आपको देखिएगा स्क्रीन पे आपके आएगा, सवाल कह रहा है कि एक परिवार की आय एवं व्यय का अनुपात 10:7 है, यदि उस परिवार का व्यय 10,500 रुपया है तो उसकी बचत कितनी है, यानी एक परिवार उसकी आय और व्यय का अनुपात 10:7 है, यानी कि आय बट्टे व्यय, यही हुआ ना, व्यय कितना है दोस्तों 10/7 यानी 10:7 है, यही कह रहा है। आगे कह रहा है कि यदि इस परिवार का व्यय 10,500 है, तो ध्यान दीजिएगा व्यय दे रखा है 10,500, मतलब हम लिख सकते हैं कि आय बराबर
10 बट्टा 7 और उस व्यय की जगह लिख सकते हैं 10,500 रुपये, क्योंकि हमको दे रखा है। तो यानी इससे हम आय निकाल लेंगे। तो आय बराबर तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आय बराबर क्या हो जाएगा, क्रॉस गुणा होगा तो ये आएगा इसके और ये उधर जाएगा, फिर ये नीचे आएगा, मतलब ये हो जाएगा 10,500 × 10/7। 7 × 1 = 7, 3 × 7 = 7×5 = 35, 1,500 बचा और ये हो जाएगा का 15,123, 15,000 रुपया आय हो गया, 15,000 रुपया। यानी परिवार की आय कितनी है, 15,000 रुपया। अब देखिएगा हमसे पूछ रहा है तो उसकी बचत कितनी है, तो हमको बचत जाना है, तो टोटल आय इतनी है, कहीं ढाई सैकड़ा हजार, 10,000, 15,000, तो हमको बचत जानना है दोस्तों, बचत कितनी। तो बचत कैसे पता चलेगा, जब आय में से खर्च घटाएंगे तभी बचत पता चलेगा। तो 15,000 हमारी आय है और उसमें से 10,500 हम खर्चा उसका घटा लिए जो हम खर्च कर रहे हैं, तो 10,500 में 500 और जोड़ेंगे तो 11,000 होगा, और 11 और 4 = 15 होता है, मतलब 4,500 रुपया उसकी क्या है, उसकी बचत है, उसकी 4,500 रुपया बचत है। यानी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही होगा दोस्तों, ए। यानी इस क्वेश्चन का आंसर सही होगा ए, 4,500 रुपया। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपको आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, और सवाल कैसा लगा अनुपात समुपात गणित मैराथन के सभी भाग 1, 2, 3 और थियरी अगर आपने देखा होगा तो, अगर नहीं देखा होगा तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के मेरे प्लेलिस्ट में जाइए और वहां देखिए, फिर आइए तब बताइए कैसा लगा। दोस्तों अगर आपने ये सब चैप देखा है, ये सब टॉपिक देखा है, तो मेरी गारंटी है कि आप एक भी सवाल को मिस नहीं करेंगे, और आप जो है अगर 20 क्वेश्चन है और 20 टाइप के क्वेश्चन, अगर 20 टाइप के टॉपिक के क्वेश्चन हो और उसमें से इसमें से 1-2 भी क्वेश्चन दिया गया, 100% करके आएंगे। और अगर आपको इसी पर से 20 क्वेश्चन दे दी जाए सिर्फ, तो मुझे उम्मीद है कि आप 18+ करके आएंगे। तो दोस्तों आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आज दीजिए इजाज़त क्योंकि आज ये मैराथन खत्म होता है, और इसके बाद जो अगला वीडियो आएगा और नया टॉपिक आएगा उसका नाम होगा औसत। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार दोस्तों।